ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 12 की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निसंप्रिय हो गए थे। सौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्मू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहे हैं और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करें वही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों का मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौए पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न दान किए। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना भी चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इच्छवाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणय होगा। यह अग्नि के समान दुर्दुधस और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शिव शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समान हो।
होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और यताति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत ही अश्वमेघ यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा हुआ है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड, जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मुरुंत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यह थी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 12 की। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।